हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये हमारा ओप्पो का A53 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम चेक करते हैं। हमारा सेट बोर्ड सेट से निकाल के रखा है। अभी मैं सेट को डीसी पास टाइम से ऑन करूँ और ये हमारा सेट ऑन हो गया। अभी देखिए, हमारा सेट ऑन तो हो गया बट डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं कर रहा है। डिस्प्ले सही है, सेट भी सही है, और डिस्प्ले की जो लाइट है वो नहीं आ रही है। सो फटाफट हम सेट को बोर्ड से अलग कर लिए हैं। और हम ये देखिए, हमें यहाँ पे दिख रहा है वाटर डैमेज टाइप का, यहाँ पे थोड़ा कार्बन वगैरह लिया हुआ है। वो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा लाइट सेक्शन लगा होता है डिस्प्ले का। तो फटाफट हम स्टील को निकाल देते हैं बहुत केयरफुली, प्रॉपरली अंदर के कंपोनेंट्स वगैरह टूटे ना। ओके, हम एयर हॉट मशीन की मदद से इसे अच्छे से नॉर्मली एयर पे हीट करते हैं और फटाफट इसे निकाल लेते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो ऊपर का स्टील है स्लोली स्लोली निकल गया। अभी देखिए, ये देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अच्छा खासा कार्बन लगा हुआ है वाटर डैमेज की वजह से लग रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थिनर या पेट्रोल वगैरह से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। थोड़ा फटाफट से क्लीन करते हैं अच्छे से। आप चेक कर लीजिए कहीं भी किसी पोर्शन में हो तो उसे अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अभी देखिए, हमारा थोड़ा फ्रेश दिखने लगा। ओके, अभी यहाँ पर हम थोड़ा पेस्ट लेके और ये लाइट सेक्शन में इसे लगाएंगे। हल्का हल्का पेस्ट को अच्छे से क्लियर करके उसके बाद में इसे आराम से हल्की एयर पे हिट मारेंगे नॉर्मली एयर। अगर हमारा नहीं होता है तो ये जो है ये क्रिस्टल लगा हुआ है, इससे से हम चेंज कर देंगे किसी फोन से निकाल के। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट मार के चेक कर लेंगे। ओके, फिर इसकी सप्लाई चेक करते हैं। ये जो हमारी लाइट की सेक्शन होती है ये थी सप्लाई परफेक्ट नहीं है। और एक बार फिर से सेट को ग्रीन और हीट करने के बाद ऑन करके चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ तो हमें यही करना है कि पहले क्लियर करके टेस्ट लगा के हल्की हल्की हीटिंग मार देनी है। अगर कोई कार्बन वगैरह ऐसा कुछ है तो उसके वजह से भी हो जाता है, तो सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेट ऑन तो हो गया बट डिस्प्ले पे अभी भी कोई लाइट शो नहीं कर रहा है। फिर से बार चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी जो डिस्प्ले की पट्टी होती है वहाँ पे जो ये यहाँ पे छोटी सी डायोड लगी होती है ब्लैक कलर की, ये यहाँ पे ऊपर, इससे पोस्ट ये ऊपर वाले पॉइंट पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है, नीचे वाले पॉइंट पे सप्लाई आ रही है। बट हमें यहाँ दोनों पे सप्लाई शो होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है यहाँ के फर्स्ट वाले पॉइंट पे मिलती है, यहाँ के फर्स्ट डिस्प्ले प्रिंटर पे फर्स्ट वाले पॉइंट पे, बट यहाँ पे हमें कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। देखिए, हम अच्छे से चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ कोई शो नहीं हो रहा। और यहाँ पर हमें ऊपर वाले पॉइंट पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। सो ये कंपोनेंट हमारा डिस्टर्ब है। सो हम इसे निकाल के यहाँ पे हम कोई दूसरा कंपोनेंट लगा देंगे। लगा देने से भी हमारा फॉल्ट सही हो जाएगा। तो फटाफट हम इसे निकाल लेते हैं। और ये हमारा कंपोनेंट जो है निकल गया, ठीक है। उसके बाद में आप निकाल के यहाँ पे उसी वैसी कंपोनेंट सेम टू सेम चेक करके उसी को लगा सकते हैं। अगर नहीं आपके पास है तो आप उसे आपस में शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो होता है दोनों साइड से एक ही सप्लाई शो करती है। बट ये रहता है कि यहाँ पे जो लाइट की रीडिंग होती है 3.4 या 2.4, तो वो इसे यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर तक भेजती है, तो हम इसे आपस में शॉर्ट कर देते हैं। अभी हमने आपस में इसे शॉर्ट कर दिया। ओके, अभी हम डिस्प्ले को लगा के चेक करते हैं।
फटाफट हम डिस्प्ले को बैटरी कनेक्टर को लगा ले। फर्स्ट हाफ हम उसे चेक कर ले रहे हैं हमारा सप्लाई मिलने लगा या नहीं मिलेगा। सो ये देखिए बैटरी कनेक्टर पर हमें, ये देखिए बैटरी कनेक्टर पर हमें, ओ सॉरी डिस्प्ले कनेक्टर पर हमें सप्लाई मिलने लगा। ठीक है, ये हम फटाफट डिस्प्ले को इंसर्ट करते हैं और सप्लाई मशीन से हम सेट को ऑन करके चेक कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डिस्प्ले पर जो है डिस्प्ले लाइट आ गई है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो फटाफट से आपको चेक करा देते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा सारा चीज़ वर्क कर रहा है, डिस्प्ले की लाइट ब्राइटनेस वगैरह भी, और ये कभी कभी क्या होता है डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह घटती बढ़ती नहीं है। सो फ्रेंड्स देख लीजिए हीटिंग वगैरह भी नहीं हो रही है, वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। बस एक छोटी सी कंपोनेंट से जंपर से हमारा लाइट आ गया।